चंद्रयान 3 ने एक बार फिर से चौंकाने वाली जानकारी भेजकर पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है। अब पूरा देश चंद्रयान 3 को भूल ही चुका था, लेकिन तभी इसरो के वैज्ञानिकों ने एक ऐसा खुलासा किया जिसे सुनकर फिर से पूरी दुनिया में भारत का डंका बजने लगा। 4 सितंबर का दिन भारत के चंद्रयान मिशन का चांद पर आखिरी दिन था, क्योंकि 4 सितंबर के दिन चंद्रयान के विक्रम लैंडर को स्लीप मोड में डाल दिया गया था और उसके बाद बगल में प्रज्ञान रोवर भी गहरी नींद में सो गया था। दोस्तों, 4 सितंबर के बाद चांद के उस इलाके में गहरा अंधेरा छाने वाला था, इसलिए प्रज्ञान रोवर अपने आप को ठंड से बचाने के लिए विक्रम के बगल में सो गया। लेकिन अभी विक्रम लैंडर ने स्लीप मोड में ही इसरो के वैज्ञानिकों को ऐसी जानकारी भेजी है जिसे सुनकर जापान और अमेरिकन स्पेस एजेंसी नासा भी हैरानी में पड़ गए हैं। आइए दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आखिर हमारे चंद्रयान 3 ने ऐसी कौन सी जानकारी भेजी है जिससे एक बार फिर से भारतीय स्पेस एजेंसी इसरो चर्चा में आ गई, और क्या ये खोज भारत को एक सुपर पावर बना सकती है। इन सब जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखना। दोस्तों, आज ही नहीं बल्कि इसरो के वैज्ञानिकों ने विक्रम लैंडर को स्लीप मोड में डालने से पहले एक और कमाल करके पूरी दुनिया को चौंकाया था, जिसमें चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर के चारों थ्रस्टर्स यानी इंजन को चालू करके इसे 30 से 40 सेंटीमीटर ऊपर की तरफ उठाया गया और उसके बाद इसकी जगह को चेंज करके इसे दूसरी लोकेशन पर लैंड कराया। और ये काम इतना आसान है नहीं जितना हमें लग रहा है, बल्कि धरती से करीब 4,00,000 किलोमीटर दूर किसी दूसरी दुनिया में पड़े किसी अंतरिक्ष यान की जगह चेंज करना अपने आप में एक बहुत बड़ी मिसाल है। इसी बीच जापान ने चांद की जानकारी जुटाने के लिए अपने मून मिशन को 7 सितंबर के दिन सफलतापूर्वक लॉन्च कर दिया है, लेकिन जापान के चंद्रयान का मिशन चांद के किसी गड्ढे में सफलतापूर्वक लैंडिंग करना है, क्योंकि आज तक किसी भी देश ने चांद के गड्ढे में लैंडिंग नहीं की है, और अगर ऐसा जापान कर लेता है चांद के गड्ढे में लैंडिंग करने वाला दुनिया का पहला देश बन जाएगा। आपको जानकारी के लिए बता दें कि चंद्रयान 3 के लैंडर को दोबारा से उड़ने के लिए नहीं बनाया गया था, बल्कि इसका केवल एक ही मकसद था कि चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करना और उसके बाद वहां की जानकारियां जुटाकर डिजिटल डेटा के रूप में पृथ्वी पर बैठे वैज्ञानिकों के पास भेजना। दोस्तों, यह भारत के लिए एक बहुत बड़ी ऐतिहासिक जीत है, क्योंकि ऐसा इतिहास में किसी भी देश ने नहीं किया था। जबकि हमारे भारत देश के कुशल वैज्ञानिकों ने चंद्रयान के लैंडर को कुछ मीटर की ऊंचाई पर ऊपर की ओर उड़ाया और फिर उसकी जगह को चेंज करके दूसरी जगह पर उसकी सफलतापूर्वक लैंडिंग भी कराई। इसी के साथ हमारे चंद्रयान के प्रज्ञान रोवर ने चांद की धरती पर ऑक्सीजन का भंडार भी खोज निकाला। ये ऑक्सीजन चांद पर वायुमंडल में मौजूद नहीं है, बल्कि यह चांद की जमीन के नीचे बने गड्ढों में मौजूद है। चांद पर ऑक्सीजन का पाया जाना हम मनुष्यों के लिए किसी खजाने से कम नहीं है, क्योंकि आपको पता ही होगा कि जीवन की उत्पत्ति के लिए ऑक्सीजन कितनी ज्यादा उपयोगी है। हालांकि चंद्रयान 3 ने चांद पर ऑक्सीजन के अलावा और भी कई सारे तत्वों की खोज की है, जिनमें सल्फर, एल्यूमिनियम, कैल्शियम, आयरन, क्रोमियम, मैंगनीज और सिलिकॉन शामिल हैं। हमारे चंद्रयान ने चांद पर पहली बार सल्फर की खोज की है। इससे पहले किसी भी देश ने चांद की धरती पर सल्फर की खोज नहीं की थी। चांद पर सल्फर का पाया जाना भी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। लेकिन दोस्तों, इन सब के बीच विदेशी मीडिया का यह दावा है कि भारत ने अपने चंद्रयान 3 मिशन की बस एक मनगढ़ंत कहानी बनाई है और कंप्यूटर ग्राफिक्स की मदद से चांद के फेक वीडियो का निर्माण कर दुनिया को उल्लू बनाया है। लेकिन विदेशी मीडिया की इस बात का जवाब देते हुए भारत के मित्र देश अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा ने अपने मून आर्बिटर की मदद से चंद्रयान 3 के लैंडर की एक फोटो ली है, जिसे देखकर उन सबको काफी हैरानी हो रही है, जो यह कह रहे थे कि चंद्रयान 3 बस एक झूठी कहानी है। दोस्तों, नासा द्वारा जारी की गई इस तस्वीर में भारत का चंद्रयान एकदम क्लियर दिख रहा है, जो कि चांद की धरती पर अपना सीना ताने खड़ा है। दोस्तों, इस वक्त चंद्रयान 3 का प्रज्ञान रोवर और विक्रम लैंडर स्लीप मोड में है, और ये दोनों फिर से 22 सितंबर के दिन अपनी नींद को विराम देंगे
और एक बार फिर से उसी जोश और ऊर्जा के साथ चांद की उस रहस्यमयी दुनिया को खोजने के लिए निकल पड़ेंगे। इस समय वहां का तापमान -250 डिग्री सेल्सियस के करीब है। ऐसे में वैज्ञानिकों में इस बात का डर भी छाया हुआ है कि कहीं इस खतरनाक ठंड में प्रज्ञान रोवर का कंप्यूटर सिस्टम फेल ना हो जाए, क्योंकि दोस्तों -200 डिग्री तापमान के बाद कंप्यूटर में लगी चिप्स में भी दरारें पड़ने लगती हैं। ऐसे में हमें इस बात की कोई जानकारी नहीं है कि हमारा प्रज्ञान रोवर फिर से जिंदा होगा या नहीं। लेकिन दोस्तों, आप कमेंट बॉक्स में हमारे चंद्रयान 3 मिशन के लिए दुआएं जरूर करना, ताकि यह एक बार फिर से दुनिया को यह बता सके कि भारत भी अब एक स्पेस पावर बन चुका है। दोस्तों, विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर की बैटरी सौर ऊर्जा के माध्यम से चार्ज होती है, जिसके लिए सूर्य की रोशनी का होना जरूरी है। और इस समय चांद के दक्षिणी ध्रुव का तापमान काफी ज्यादा कम हो गया है, जिससे उसकी बैटरी खराब होने की संभावना भी बढ़ गई है। लेकिन हमारे वैज्ञानिकों का कहना है कि उन्होंने इसकी बैटरी में काफी ज्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया है, जिससे वह इतनी आसानी से खराब नहीं होने वाली। लेकिन -250 डिग्री की ठंड को झेल पाना इतना भी आसान नहीं है। अगर हमारे प्रज्ञान रोवर और विक्रम लैंडर की बैटरी सही सलामत रहती है, तो यह एक बार फिर से चांद पर रिसर्च करना शुरू कर देगा, और इस बार वहां पर हाइड्रोजन गैस की तलाश की जाएगी, जो कि रॉकेट फ्यूल का मुख्य तत्व है। दोस्तों, इस वक्त जो तस्वीर आप लोग अपने मोबाइल फोन पर देख रहे हैं, यह तस्वीर विक्रम लैंडर की है, जिसे हमारे प्रज्ञान रोवर ने अपने हाई रेजोल्यूशन कैमरा द्वारा कैप्चर किया है। आपको बता दें कि यह तस्वीर उस समय की है जब चांद पर रात होने वाली थी और रोवर वापस लैंडर में जा रहा था। इसमें आप देख रहे हैं कि चांद की सतह पर अंधेरा होने के कारण वह कितनी चमकदार दिखाई दे रही है। जिस समय चंद्रयान का प्रज्ञान रोवर चांद पर रिसर्च कर रहा था, तो उस वक्त चांद का तापमान 20 से 35 डिग्री सेल्सियस के बीच था। ऐसी कंडीशन में रोवर को जितना समय मिल पाया, उसने कई सारे तत्वों की खोज की और वहां के तापमान की जानकारी को वैज्ञानिकों तक भेजा, और साथ ही वहां के प्लाज्मा रेडिएशन के बारे में भी स्टडी करके विक्रम लैंडर को जानकारी दी। अब चांद के दक्षिणी ध्रुव पर 22 सितंबर के दिन फिर से सूरज उगेगा, और सूरज की पहली किरण पड़ने पर हमारा प्रज्ञान रोवर और विक्रम लैंडर दोनों जाग जाएंगे। आप सभी लोग चंद्रयान 3 के दोबारा से जागने की दुआएं कमेंट में करते रहे, ताकि हाइड्रोजन की खोज की जा सके। साथियों, इस वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और अपने मित्रों तक इस वीडियो को शेयर करें, ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके, और अपने भरोसेमंद चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को ऑल पर सिलेक्ट करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं किसी और नॉलेजेबल वीडियो के साथ। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।